इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट सिविल सर्विसेज लाइक ऑनलाइन सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म यूपीएससी 101 पे, ठीक है। और जल्दी जल्दी आ जाओ। सबसे पहले तो कि जो नई कहानी हमने शुरू की है अभिषेक एज योर एडुकेटर इंस्ट्रक्टर मेंटर, उसकी कहानी में, ठीक है, आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए मैं हाजिर हूँ आपके सामने, राइट। सो आई एम अभिषेक एज योर एडुकेटर मेंटर इंस्ट्रक्टर, वेलकम यू ऑल राइट ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ यूपीएससी 101 विच इज एब्सोल्युटली डेडिकेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज, जहाँ पे हमने कहा कि स्टोन एज एंशिएंट इंडिया की पहली क्लास की थी और उसमें आप लोगों का जो रिस्पॉन्स रहा था दैट वॉज अमेजिंग गाइज। सो सबसे पहले तो फटाफट इसे शेयर करो चारों तरफ, ठीक है। मैं इसमें कहीं से भी कोई कमी अपनी तरफ से नहीं छोड़ने वाला हूँ और बहुत दिनों बाद मैं थोड़ा खुश हुआ था कल, ठीक है, आप लोगों के रिस्पॉन्स को देखकर। सो उस खुशी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब कहीं से इस जो बीच में एक मेलो ड्रामा शुरू हो गया था, डेफिनेटली आप लोगों की तरफ से, टू बी वेरी फ्रैंक आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग टेलिंग आई वाज हाईली डिसअपॉइंटेड, ठीक है। और कल वाली साइंस वाली क्लास में भी मुझे फिर से देखना है कि क्या हो रहा है, बट येस आई कन्फेस इट कि आई वॉज वेरी हैप्पी राइट इन द लास्ट क्लास, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सो गाइस, कहानी को आगे बढ़ाते जल्दी जल्दी फटाफट, मधु अदिति गिरिजा, ठीक है, राठी साहब, जल्दी जल्दी शेयर करो, चारों तरफ होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए दैट यस वी हैव स्टार्टेड राइट दिस एंशिएंट इंडिया और ये हमारी कहानी शुरू हो चुकी है। सो अदिति शेयर करो जल्दी, हरीश, गायत्री, महिमा, नेहा, सबका बहुत बहुत स्वागत है, मोहित, अदिति, प्रियंका, जावेद, पंकज सर, प्रिंस चार्मिंग, ठीक है, क्या कहते हैं, सुमित सर, जिसके भी ग्रुप, सबके ग्रुप, प्रशांत सर, सबके ग्रुप में होना चाहिए। सिद्दीकी साहब कैसे हो, शेलू, तनिष्का, श्रुति, लक्ष्मी, मोहित, प्रज्ञा, रेणु, ऋषिकेश, लाइबा, साइका मुझे अभी भी नहीं दिखती, ठीक है, सिद्दीकी साहब, लाइबा, देन यू हैव दिस गायत्री, अदिति, जावेद खान साहब, वालेकुम सलाम, और आशा करता हूँ कि सब खुदा की नेमत बरस रही होगी आप लोगों पर, अच्छी चल रही होगी सब कुछ। नंदन, सफाक साहब, लाइबा, पाटिल, कविता, प्रिया, रेनू, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, चलो, जावेद साहब, अर्पिता, ईशा, सब अच्छे हैं। गिरजा आप कैसी हो ये बताना, सपना, लक्ष्मी, संध्या, सोनाली, हरीश, एकता, चौहान साहब, गिरजा, सफाक, ठीक है, अनमता, वालेकुम सलाम अनमता, नाइस टू सी यू, आशीष, रमेश, अरविंद, संध्या, जल्दी जल्दी आ जाओ गाइज, जल्दी जल्दी आओ, मनदीप, मनदीप मैंने आपका नाम ढूंढ लिया, चलो, मैं ढूंढ ही रहा था इनफैक्ट कि मनदीप उदास ना हो जाए यार, कल इसने मेरे को पर्सनली कंप्लेन किया था कि सर आप मेरा नाम नहीं लेते, मनदीप मैं तुम्हारा ही नाम ढूंढ रहा था, यस मैंने तुम्हें भी देख लिया, मनदीप तुम्हें भी देखा, मनदीप कैसी हो, सॉरी अगर मैं कभी कभी नाम नहीं ले पाता हूँ, सुष्मिता, देन यू हैव दिस गरिमा खान साहब, यार की भी नहीं दिख रही, मधु, निहालिका, मनीष, जल्दी जल्दी आओ गाइज, अब मेरे को थोड़ा सा आगे बढ़ने दो। सो गाइस, दिस इज स्टोन इज पार्ट टू, आप मुझे देख सकते हो, स्पेशल क्लासेस पे, स्पेशल क्लासेस मेरी ले सकते हो आप, अन अकेडमी ऐप पे जरूर लो, काफ़ी अमेजिंग चीज़ें मैं यहाँ पे कराता हूँ, वर्ल्ड वार, कोल्ड वॉर जैसी चीज़ें, नेक्स्ट ऑन द कार्ड इसी वीक में बिटकॉइंस है, सो बिटकॉइंस भी अच्छे से समझ लेना, ऐसी चीज़ों को मैं यहाँ पे लाने की कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें क्लास में प्रॉपरली ना हो पाए, सो नेक्स्ट स्पेशल क्लास विल बी ऑन द बिटकॉइंस, मैं अभी बता रहा हूँ, डू अटेंड दोज क्लासेस, वो मैं हमेशा इसी तरीके से करता हूँ कि आपको उससे मदद बाकी की क्लासेस में मिल सके। देन यू हैव दिस प्लस कोर्स, हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है, दिस इज आवर एडुकेटर कोड, माई एडुकेटर कोड AR101, जिसका फ़ायदा आपको अन अकेडमी पर बहुत जगह मिलेगा, स्पेशल क्लासेस हो या कोई सब्सक्रिप्शन हो, 10% ऑफ मिलेगा आपको सब्सक्रिप्शन में इस कोड को यूज़ करने पे। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, मेरा कोड यूज़ करना है नहीं करना है या आपकी अपना आपका अपना फैसला होना चाहिए, ठीक है, इसमें कहीं से मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मैं किसी तरीके का प्रेशर आपके ऊपर एग्जर्ट नहीं करता हूँ, हाँ अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो मेरी मेंटरिंग आपको ज़रूर मिलेगी। सो मेरी मेंटरिंग आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, ये तो आपका फैसला होना चाहिए ना गाइस, यू नो नन ऑफ यू वुड हैव एवर हर्ड मी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स दैट इस चीज़ों के लिए मैंने कभी प्रेशराइज नहीं किया है, बट येस दैट विल बी देयर, आई कंडक्ट एक्सक्लूसिव मेंटरिंग, ठीक है, फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर देयर विथ मी इन माई प्लस ग्रुप, सो वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी, बट फिर भी आपका फैसला होना चाहिए। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स, दिस इज़ माई अन अकेडमी, दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे जुड़ो, इसका एक चैट ग्रुप भी मैंने क्रिएट कर दिया है, अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर करो, मेरे साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो, अगर तुम्हें लगता है कि ठीक है मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ विच कैन विच इज़ एक्चुअली वर्थ गिविंग सम टाइम, इफ़ आई डिजर्व योर प्रेसियस टाइम
ठीक है, दैट शुड बी योर डिसीजन, बट इफ आई डिजर्व दैट, डू शेयर दैट टाइम विथ मी, आई वोंट डिसअपॉइंट यू, दैट्स माई वर्ड टू यू, ठीक है, एंड लेट द टाइम अनफोल्ड द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टोरी, राइट, डोंट बी जजमेंटल हेयर, ठीक है, टॉकिंग टू मी फॉर फ्यू सेकेंड्स, टॉकिंग टू मी फॉर वन मिनट, टेकिंग माई वन क्लासेस, ड्रॉपिंग मी वन मैसेज, गेटिंग माई वन रिस्पॉन्स, इन चीज़ों के आधार पर जजमेंटल मत बनो, मैं बार बार कहता हूँ, चाहे वो क्लास हो, पढ़ाई हो या जिंदगी हो, जजमेंटल होना हमारी सबसे बुरी फितरत होती है, ठीक है, कि बहुत जल्दी हम किसी भी फैसले पे पहुंच जाते हैं, अक्सर हाँ कभी जिंदगी में ज़रूरत भी पड़ती है स्ट्रॉन्ग या रैपिड डिसीजन मेकिंग की, लेकिन ऑन एन एवरेज, ठीक है, जजमेंटल होना का कैरेक्टर इज नॉट गुड, सो जस्ट स्पेंड सम टाइम विथ मी एंड देन डिसाइड हाउ आई कैन बी गुड फॉर यू, हाउ आई कैन बी बैड फॉर यू, इफ आई एम गुड फॉर यू कम एंड मूव विथ मी, एंड इफ आई एम बैड फॉर यू, यू थिंक लाइक दैट आई एम बैड, राइट, ओके, यू हैव ऑल द ऑप्शंस, यहाँ पे किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है गाइज, राइट, सो मूविंग अहेड, स्टोनेज की कहानी जो हमने शुरू की थी गाइज, उसमें बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी, सबसे पहली बात, आई विल हैव सम स्मॉल रिकैप, आराम से करना है, एंशिएंट इंडिया मेरे दिल के सबसे नज़दीक का सेक्शन है, मेरे दिल का सबसे नज़दीक का कोना है, ठीक है, सो इसको मैं बखूबी करूँगा, जूमी, पूनम, सफाक, जल्दी जल्दी आ जाओ यार, नेहा, आदिति, कैसी हो आदिति बताना, रमांश, चारों तरफ शेयर हुआ कि नहीं मेरे को ये बताओ पहले, ठीक है, अनमता, पाटिल साहब, कोमल, पूनम, चलो जल्दी जल्दी आओ, गुड इवनिंग आदित्य, मनदीप जी, सर क्लियर, हेमन जी, मनदीप, चलो नाइस, बॉबी, सर मैं हमेशा रह जाता हूँ, यार बॉबी तुम्हारा नाम ले लिया, गुस्सा मत करो प्लीज़, कुसुम, निहालिका इज देयर, अनिल भी दिख गए, आदिति, चलो गाइस, ऑल राइट गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, किसी का नाम नहीं ले पाऊँ तो मेरे को माफ़ कर दिया करना यार, मतलब पॉसिबल नहीं होता, यूट्यूब हैज़ मेनी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, पॉसिबल नहीं हो पता, कभी मेरे साथ बैठ लेना मेरे साइड में कोई भी, ठीक है, और देख लेना कि किन परिस्थितियों में लाइक आई एम टेकिंग द क्लासेस, ठीक है, फिर डेफिनेटली मेरे कंधे पे हाथ रख के तुम ही कहोगे अरे सर इट्स ओके, मेरी गलती होगी, माफ़ कर दो मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए, दैट्स माई वर्ड टू यू, ठीक है, सो प्लीज़ इन चीज़ों के लिए कंप्लेन मत किया करना, मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, अन अकेडमी चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आपका रिस्पॉन्ड करने का, ठीक है, जो क्या कहते हैं उस पर भी रिस्पॉन्ड करने का, यहाँ भी देखने का, कभी कभी अगर मिस हो जाए, ठीक, डोंट फील बैड अबाउट दैट, निधि नवोदिता, दैट इज़ मिस रोजी, गुड इवनिंग, आपको देख लिया, शायद पहली बार देखा, दैट इज़ माई अचीवमेंट, ठीक है, मुझे लगता है आप लेट आई हैं, देन फैज साहब, हरप्रिया, स्नेहा, स्मार्टी, एकता, वरुण, चलो गाइज अब कहानी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले बात मैंने बेसिकली तुम लोग को लास्ट क्लास में बताई थी कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस, साक्ष्यों के आधार पे इतिहास को किन भाग कितने भागों में और कैसे बांटते हैं, तो वहाँ पे तीन नाम मैंने लिया था, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और तीसरा नाम मैंने लिया था दैट वाज हिस्टोरिक पीरियड, ये क्या होते हैं ये सारी बातें मैं लास्ट क्लास में आप लोग को बता चुका हूँ, मूविंग अहेड, फिर मैंने बताया था कि वो जो एविडेंसेज होते हैं, वो जो साक्ष्य होते हैं, सर देखो एक बात मैं यहीं पर बोल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो हिंदी मीडियम वाले लोग होते हैं, जैसे स्क्रीन पे बहुत सारा इंग्लिश शब्द दिखता है वो चीखने चिल्लाने लगते हैं, सर हिंदी का है, हिंदी का है, यार एक सेकंड रुक के देख तो लो कि क्या लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, मॉन्यूमेंट्स लिखा हुआ है, कॉइन्स लिखा हुआ है, सील लिखा हुआ है, पॉटरी लिखी हुई है, रिलीजियस लिटरेचर लिखा हुआ है, साहित्यों के नाम लिखे हुए हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, स्मृति टेक्स्ट, उनके नाम लिखे हुए हैं, चाइनीज लेखकों के नाम लिखे हुए हैं, फाइयन, ह्यूएन सांग, इत्सिंग, फिर उसके बाद अरेबियन लेखकों के नाम लिखे हुए हैं, सुलेमान, अलमसूदी, अलबेरूनी, इसमें क्या हिंदी गाइस, ग्रीक रोमन राइटर्स, प्राचीन यूरोपीय लेखकों के नाम लिखे हुए हैं, थिसेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीस, डायनोसियस, टोलेमी, प्लिनी, क्या लिखूं मैं इसमें हिंदी, मेरे को बताना, तो तुम लोग एक सेकंड में, और एक बात ध्यान रखना कि इतनी इंग्लिश और हिंदी में भी तुम्हें दिक्कत आ रही है ना, तो एक बात तो साफ है कि यूपीएससी की तैयारी मत करो, क्या करोगे इंटरव्यू में, अगर वो दो लाइन तुमसे इंग्लिश बोल लेता है उसको बोल सकते हो क्या तुम, कि तुम मेरे से हिंदी में बात कीजिए प्लीज, मैं हिंदी मीडियम में हूं, नहीं बोल पाओगे ना, तो मेरे ऊपर क्यों चढ़े रहते हो, मैं पूरी कोशिश करता हूं, पूरी कोशिश क्या, कोई दिखा नहीं सकता मेरी ऐसी कोई क्लास जो बिना हिंदी के हुई हो, अगर कभी कभार गलती से हुई भी हो तो उसमें ज्यादा हिंदी में बोलता हूं, कभी कभार ऐसी चीजें आ जाए तो एक सेकेंड रुक के देखो तो सही कि है क्या, नाम ही नाम लिखे हुए हैं, यहां पर मैंने वो बातें बताने की कोशिश की थी कि वो जो एविडेंस होते हैं, साक्ष्य होते हैं, वो बेसिकली कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये भी बताया था मैंने कि पुरातात्विक साक्ष्य हो सकते हैं, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, या फिर लिटरेरी सोर्सेज हो सकते हैं, और उससे संबंधित बहुत सारे नाम मैंने यहाँ पे बताए हैं कि भाई साहित्यिक स्रोत क्या हो सकते हैं, तो धार्मिक हो सकते हैं या फिर अधार्मिक हो सकते हैं, अधार्मिक में क्या हो सकते हैं, तो यात्रियों का जो अपना यात्रा भ्रमण, भ्रमण यात्रियों पर जो ट्रैवलॉग है, ठीक है, जैसे
फाहियान ह्यूमन सांग का नाम लिखा हो, ठीक है, सी हु क्यू इनकी के द्वारा जो ट्रेवलॉग था, का जो भ्रमण था उस पर जो इन्होंने कहानी लिखी थी, किताब लिखी थी, ठीक है, ह्यूमन सांग जो हर्षवर्धन के समय आए थे, या फिर क्या हो सकता है, वो वेदांग हो सकता है, वो रामायण हो सकता है, महाभारत हो सकता है, ब्राह्मण अरण्यकास उपनिषद हो सकते हैं, ये सब रिलीजियस टेक्स्ट हो गए। सो इन सारी चीजों के आधार पे, इन सारी चीजों से हमें साक्ष इकट्ठा करके हमने प्राचीन इतिहास को संकलित किया है, और वही बेसिकली मैंने तुम्हें कल यहाँ पे बताने की कोशिश की थी। उसके बाद मैंने डेटिंग की बातें बताई थी, ऑफकोर्स ये एक सावधानी तुम्हें बताते हुए कि यहाँ पे ज़्यादा खुश मत हो जाना कि ये कौन सी डेटिंग वाली बात है, ठीक है, ये बेसिकली वो डेटिंग मतलब नामकरण तारीख प्राप्त करने की बात थी कि भाई किस आधार पे, कैसे, क्या वो वैज्ञानिक व तकनीकी तरीके होते हैं जिसके आधार पे हम बेसिकली पुरातात्विक या खुदाई के दौरान मिले गए जो एविडेंसेस होते हैं उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। सबीना, दीपक, शेर, दीपक, असीफा, अदिति, प्रिया, वरुण, सुष्मिता, लक्ष्मी, चलो जल्दी जल्दी आओ यार, ठीक है, सब लोग चाहिए मुझे, ठीक है, और सब लोग मुझे दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, जो उत्साह और जो खुशी पहले क्लास में दिखी थी आज डेफिनेटली उसमें कमी है, बट चलो कोई बात नहीं, हमारी कहानी ना रुकी है ना रुकेगी, राइट। उम्मीद करते हैं। मुजम्मिल, गरिमा सर, अगर लाइक का आइकॉन में पावर होती तो मैं वो सब लगा देती आपकी क्लास के लिए। अरे गरिमा ऐसा नहीं है यार, तुमने ऐसा कह दिया वही बहुत है। मोनिका जल्दी जल्दी आ जाओ ना यार, ठीक है। चौहान साहब गुड इवनिंग, ज्योति जल्दी आओ। सो डेटिंग के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि कौन तरीके होते हैं, तो कार्बन 14 C14 वाला आइसोटॉप यूज करके जो पुरातात्विक खुदाई के दौरान जो साक्ष्य मिलते हैं उनसे हमें उनके उभर का पता लगाते हैं। फिर मैंने तुम्हें बताया था पॉलन एनालिसिस, परागों का विश्लेषण करते हैं, पराग कण पॉलन जो पौधों में उनका लैंगिक प्रजनन का कंप्लीट करने वाला हिस्सा होता है। फिर जलवायु को पढ़ के, वनस्पतियों को पढ़ के, ठीक है, इन सारी तरीकों से, या फिर एक मैंने वो जाइलम वाली बात बताई थी जिसको डेंड्रो टेक्नोलॉजी कहा गया था कि भाई किसी भी पेड़ में जो छल्ले बने होते अंदर उसके स्टेम में बल्क में, ठीक है, जो रिंग्स होते हैं उनको देखकर भी हम बेसिकली किसी लकड़ी की उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जाइलम वाली बात, ये सारी मैं बात बता चुका हूँ कि इस तरीके से बेसिकली खुदाई के दौरान जो साक्ष्य मिलते हैं उनके बारे में हम पता लगा चुके हैं या पता लगाते हैं उनकी उम्र का, उनके समय का, उनकी तारीख का। All these kind of the things we have done in the last class. Moving ahead, ये देखो अच्छे से notes बना लेना, फिर चुपचाप ना एक बार हिंदी अंग्रेजी वाले तंग मत करना, हिंदी वाले कुछ नहीं है, paintings और sculptures, देखो बहुत खुदाई के दौरान या ऐसे भी खोजकर्ताओं ने बहुत जगहों से बहुत सारी ऐसी paintings प्राप्त की हैं जिससे बहुत सारे हमें information प्राप्त हुए हैं regarding the ancient India। जैसे देखो सब एक साथ मैंने compile किया हुआ है, बहुत काम की चीज है, अच्छे से नोट्स बना लेना, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछ देगा ना कि बाघ पेंटिंग्स बेसिकली में किस चीजों पे आधारित है, ढूंढते रहोगे, कहीं एक जगह बाघ पेंटिंग, कहीं एक जगह बादामी केव पेंटिंग, कहीं एक जगह लेपाक्षी पेंटिंग्स, मिलेगा नहीं। एक जगह कंपाइल करके मैंने दिखाया हुआ है, तो अच्छे से इसको नोट्स में बना लेना, कोई चीखना चिल्लाना नहीं है, हिंदी वाले इंग्लिश वाले कुछ नहीं है, नाम नाम है, ठीक है, और सब एक जगह लिखा हुआ। जैसे भीमबेटका केव पेंटिंग, जब भी आप पाषाण काल के पढ़ में पढ़ोगे ना, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर केव पेंटिंग, गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग्स हुआ करती थी, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम अगर एंशिएंट इंडिया में या ये पैलियोलिथिक या फिर पाषाण काल में अगर कोई आता है तो ये एमपी का भीमबेटका केव पेंटिंग है। क्या क्या यहाँ से मिला हुआ है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अजंता केव पेंटिंग, एलोरा केव पेंटिंग, बाघ केव पेंटिंग, ठीक है। इसमें जातक टेल्स के बारे में, देखो कुछ बातें समझ में ना भी आए तो डरना मत, जातक की कहानियां जो होती है ना वो बुद्ध के जीवन पे आधारित कहानियां होती है, तो बुद्धिज्म जैनिज्म जब मैं पढ़ेंगे तो जातक टेल्स खुद ही समझ जाओगे। अभी इसे प्रॉपरली एक नोट जरूर बना लेना। बादामी के पेंटिंग्स क्या मिला हुआ है इसमें बेसिकली, ठीक है, किस समय का है, चालुक्य वंश के दौरान है। चालुक्य वंश के बारे में नहीं जानते हो रुक जाना, लेकिन नोट्स बना लेना क्योंकि सब एक जगह लिखा हुआ है, तो इसका प्रॉपरली नोट्स बना लेना सबसे पहली बात, ठीक है। अच्छा मेरे पीछे छिप रहा है कुछ, मैंने आज ही प्रवीण सर की आर्ट एंड कल्चर की पेंटिंग वाली क्लास की है, ठीक है संजना, अच्छी बात है वो की है तो तुमने, अच्छी बात है सर। स्क्रीनशॉट लेना है, दिख नहीं रहा है थोड़ा साइड से, अच्छा रुक जाओ मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, ठीक है जल्दी से इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, ठीक है। आई होप ले लिया होगा तुम लोगों ने, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड हो चुका हूँ, ठीक है इंपॉर्टेंट है, राइट।
चलो ठीक है। अच्छा एक काम मैं और कर दूंगा, एक काम मैं और कर दूंगा अगर आप चाहते हो तुम लोग तो, कि टेलीग्राम ग्रुप पे ये सारी जो डेटा है ना मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, प्रवीण सर ने पढ़ाया अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस लिस्ट का ना एक जगह सारा जो संकलन है ना वो नोट जरूर कर लेना। अच्छी बात है प्रवीण सर ने अच्छे से पढ़ाया, दैट्स क्वाइट गुड, लेकिन एंशिएंट इंडिया के नोट्स में ये मेंशन होना चाहिए, दैट व्हाट आई एम टेलिंग। समझ में आ रही बात? और एक और बात, मैं एक काम मैं और कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम जो चैनल है ज्वाइन कर लेना, मैं शेयर कर दूंगा ये सारे डेटा, क्योंकि बहुत मेहनत से ये सब मिलता है, तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम्हें मिल भी नहीं पाएगा। ठीक है, सो इसे संभाल के रखना, दैट व्हाट आई एम टेलिंग। ठीक है, मिस्टर इंडिया बन गया हमें, अगर तुम लोगों ने लेना है तो ले लेना जल्दी से स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मानव विकास की कहानी देखो, ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये वही सब बातें हैं जो आज तक तुम समझ नहीं पाए हो। ठीक है, देखो ह्यूमन इवोल्यूशन, अर्थ कितना पुराना है ये तो ज्योग्राफी की कहानी है, इस पर बहुत ज्यादा अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, जल्दी से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना तुम लोग, बहुत सारे डेटा एंशिएंट इंडिया में मुझे शेयर करने हैं, डेटा इसमें थोड़ा फैक्चुअल चीजें ज्यादा होती हैं, तो दैट लाइक आई हैव टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन एंशिएंट इंडिया, सो प्लीज डू कीप ज्वाइनिंग या डू ज्वाइन दोज टेलीग्राम चैनल्स। बार बार मैं चीख चीख के कहता हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो ये नोट्स नहीं बनाएंगे पटेल, नको सर नहीं तो ये नोट्स नहीं बनाएंगे। बना लेंगे, ठीक है, इनकी नियत पे छोड़ते हैं, अगर आने वाले भविष्य के सिविल सर्विस सर्वेंट्स हैं तो ये सब गुस्ताखियां नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? प्रिया अभी ये क्लास कर लो डियर, चलो थैंक यू सर, ओके सर। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, अर्थ के इवोल्यूशन की एक छोटी सी बात है जिसका एंशिएंट इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, क्योंकि ये तो गारंटी है कि ये क्वेश्चंस तुमसे एग्जाम में नहीं बनते हैं, सो सबसे पहले तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ठीक है, लगभग 4000 मिलियन ईयर्स ओल्ड अर्थ पुराना है, इसको जानने ना जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है। चार फेजेस में अर्थ का डेवलपमेंट हुआ है, मतलब पहले धरती अलग अलग टुकड़ों में बटी है, फिर आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कि कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है, फिर ओशन का फॉर्मेशन हुआ है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, फिर क्लाइमेट चेंज हुआ है, ऑल दिस काइंड ऑफ द थिंग्स आर द ज्योग्राफी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एंशिएंट इंडिया में हमारे लिए काम की क्या बात है वो देखो, एंशिएंट इंडिया में हमारे लिए काम की बात गाइज ये है कि अर्थ का जो जियोलॉजिकल जो ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है, जो ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है मतलब धरती का जब से धरती की उत्पत्ति हुई तब से लेके आज तक का समय, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मतलब अगर मैं हिस्ट्री में बताऊं ज्योग्राफी में बताऊं तो कुछ शब्द मैंने तुमने शुरू होंगे, इपॉक एरा पीरियड, ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं कल्प महाकल्प और शक, ठीक है, हिंदी की जरूरत भी नहीं है, हिंदी में मत जाना इंग्लिश में ही रहना, पीरियड इपॉक और एरा, बहुत ज़्यादा इसके बारे में मुझे नहीं बताना, एक मैं बात अभी बता देता हूँ, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल या ज्योग्राफिकल टाइम स्केल जो होता है, ठीक है, जिसमें ऐसे ऐसे शब्द तुम सुनते हो, क्वार्टरनरी पीरियड, टर्शरी पीरियड, प्लेस्टोसिन इपॉक, होलोसिन इपॉक, आज तक कुछ समझ में नहीं आया है तुम्हें, मेरी गारंटी है। ठीक है, स्पेशल क्लास अगली तो मैं बिटकॉइंस पे लूंगा, उसकी स्पेशल क्लास आज ही डिसाइड हो चुकी है मेरे प्लस वाले क्लास में, ठीक है, वो ज्योग्राफिकल टाइम स्केल पे ही होगा, ऐसे शब्दों से आजीवन तुम्हें निजात मिल जाएगा, दैट्स माय गारंटी, बट यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं उतना ही बताऊंगा जितने की जरूरत है हमें यहाँ पे, सो ध्यान से सुनो इसे, ठीक है, इओन सुस्मिता, इओन की जरूरत नहीं होती, इओन सबसे बड़ा होता है, पीरियड से भी ऊपर होता है, ये सब यूट्यूब में कहीं कहीं अगर तुम्हें इओन लिखा हुआ मिल रहा है ना किसी किताबों में, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, इओन से कोई, इओन के बारे में टेंशन लेने की कहीं से कोई जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर पीरियड इपॉक एंड एरा, सबसे बड़ा इसमें पीरियड होता है, ठीक है, देन यू हैव द एरा एंड देन यू हैव द इपॉक। अब लेकिन इसके बारे में ना व्हाट आई एम टेलिंग कि अभी मैं ज्यादा बताने ही नहीं जा रहा, जो शब्द इओन होता है ना सुष्मिता, इसके बारे में टेंशन ही मत लो, भूल जाओ इसे, ठीक है, पीरियड इपॉक और एरा इससे कुछ संबंधित मैं ऐसी बातें बताने जा रहा हूं, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना चाहिए सर, ये DLQYT तुम बंद कर लो ये सवाल, ठीक है, और पढ़ लो जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये बात मैं कह रहा हूं, डोंट डिस्टर्ब द क्लास लाइक दिस, कि यहां पे आके एक बार गलती से दर्शन देके और तुम पूछ रहे हो मेरे से कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा लेते हैं, ठीक है,
एकदम स्टॉप दिस BLQYT व्हाटएवर इज योर नेम, अगर ज़्यादा जानकारी, अगर ऑनेस्टली तुम्हें जानने की इच्छा है, टेलीग्राम पे आओ मेरे साथ। और क्या करोगे जान के, पढ़ाई करो चुपचाप, खुद ही पता चल जाएगा एनसीएड में क्या पढ़ते हैं, ठीक है। पीरियड एरा और इपोक, और बहुत ज़्यादा इसमें मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए स्पेशल क्लास मेरी डेफिनेटली तुम लोग ज्वाइन करना, अगली वाली तो बिटकॉइन पे होगी, उसके बाद ज्योग्राफिकल टाइम स्केल पे होगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर एक क्वेश्चन आए एग्जाम में कि आज आप बेसिकली कौन से पीरियड में जी रहे हो, ठीक है, पीरियड में ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के हिसाब से, तो एक नाम याद रखना, क्वार्टरनरी पीरियड। वर्तमान का जो पीरियड है ज्योग्राफिकल टाइम स्केल, वो क्वार्टरनरी पीरियड है, क्वार्टरनरी पीरियड। और क्वार्टरनरी पीरियड को दो इपॉक में तोड़ा जाता है, दो इपॉक में इसे बांटा जाता है। एक होता है प्लेस्टोसिन इपॉक, और दूसरा होता है होलोसिन इपॉक। वर्तमान के किस कल्प में, इपॉक मतलब कल्प, वर्तमान के किस कल्प में आप जी रहे हो, तो होलोसिन इपॉक, ये वर्तमान का है। इससे पहले हिमयुग, प्लेस्टोसिन, आइस एज इसे कहते थे, वो प्लेस्टोसिन इपॉक है। आगे चल के मैं तुम्हें बताऊंगा कि इंसानों का जो, इंसानों की जो उत्पत्ति, जो उद्भव हुआ है, वो कहीं ना कहीं प्लेस्टोसिन इपॉक में ही हुआ है, ठीक है, इसीलिए शब्द मैं तुम्हें बता रहा हूं। और वर्तमान में कौन से इपॉक में आप जी रहे हो, होलोसिन इपॉक, और वो बेसिकली कौन सा, ये दोनों इपॉक किस पीरियड का हिस्सा है, क्वार्टरनरी पीरियड। तो अभी किस पीरियड में आप जी रहे हो, क्वार्टरनरी पीरियड में, ठीक है। और क्वार्टरनरी पीरियड से पहले टर्शियरी पीरियड होता है। क्वार्टरनरी पीरियड से पहले टर्शियरी पीरियड होता है। अच्छा, थोड़ा सा टाइम का भी अंदाजा होना चाहिए, ध्यान से सुनना। पहले प्लेस्टोसिन इपॉक जो है वो तकरीबन 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 10,000 ईयर्स एगो तक था, लगभग एक टाइम फ्रेम याद रखना। और इसके बाद जो है वो होलोसिन इपॉक हो जाएगा, मतलब ये प्लेस्टोसिन इपॉक वो है जिसे आप आइस एज कहते हो, पूरी धरती बर्फ से ढकी हुई थी, फिर बर्फों का पिघलना शुरू हुआ, और फिर अलग अलग प्रकार के भू संरचनाओं ने या लैंड फॉर्म्स ने अपने अपने तरीके से जन्म लिया, वो अलग ज्योग्राफी की कहानी है। सो प्लेस्टोसिन इपॉक ये क्वार्टरनरी पीरियड का हिस्सा है। क्वार्टरनरी पीरियड के पहले क्या था, क्वार्टरनरी पीरियड से पहले था टर्शियरी पीरियड, टर्शियरी पीरियड याद रखना है। और इसमें पांच इपॉक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों का नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, और मैं ज्यादा बोलने भी नहीं जा रहा अभी, बस पांचवा का नाम याद रखना, प्लायोसिन। ये सब क्वेश्चन आता है, खूब आता है, और तुमसे नहीं बनता है, प्लायोसिन इपॉक याद रखना, ठीक है। कहने का मतलब एक बार मैं समराइज कर दूं कि अभी आप किस पीरियड में हो, अभी आप हो क्वार्टरनरी पीरियड में। क्वार्टरनरी पीरियड के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, इपॉक कहते हैं उन्हें, प्लेस्टोसिन इपॉक और होलोसिन इपॉक। प्लेस्टोसिन इपॉक इज आइस एज, लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 10,000 ईयर्स एगो तक ये समय चला था, जब पूरी धरती बर्फ में ढकी हुई थी। और वर्तमान का जो इपॉक है वो होलोसिन इपॉक है जिसमें आप जी रहे हो। क्वार्टरनरी पीरियड से पहले क्या था, मतलब पहले टर्शरी पीरियड था, और टर्शरी पीरियड में कितने इपॉक होते हैं, पांच। पांचों के नाम से कोई मतलब नहीं है, पांचवा एक याद रखना है, प्लायोसिन इपॉक। ये एक ज्योग्राफिकल टाइम स्केल का सबसे कंसाइज और ब्रीफ मैंने इलस्ट्रेशन आपको दिया है। इससे ज्यादा इसमें कुछ सोचना मत, इससे ज्यादा कुछ जानते हो तो मुझे बताना मत, चुपचाप ये जो शब्द हैं और इनके जो मीनिंग्स मैंने बताए हैं अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। और इसका एग्जैक्टली एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ज्योग्राफिकल टाइम स्केल का स्पेशल क्लास में मैं करूंगा। अगली मेरी स्पेशल क्लास बिटकॉइंस पे होगी, उसके बाद जो होगी वो ज्योग्राफिकल टाइम स्केल पे होगी। एक बार ध्यान से कर लेना, इन शब्दों से जीवन भर निजात पालोगे, दैट्स माय वर्ड टू यू, ठीक है। प्लायोसिन, ये सुमित, गुड इवनिंग, प्रणाम सारथी, मिश्रा जी आ जाओ, जल्दी आओ, चलो। सो मैंने ये सब क्यों बताया, नाउ सी, मैन इज सेड टू हैव अपीयर्ड ऑन द अर्थ इन द अर्ली प्लेस्टोसिन, ठीक है। अब समझ में आ रही है मैंने क्यों बताया था, ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे तुम। अर्ली प्लेस्टोसिन एज में इंसानों की उत्पत्ति के साक्ष्य हमारे पास है, पहली बात, ठीक है, तो ये याद रख लेना। अब इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं सारा पीछे समझा चुका हूं, प्लेस्टोसिन, प्लायोसिन एंड ऑल। सो अर्ली प्लेस्टोसिन युग में, अर्ली प्लेस्टोसिन एपॉक में, ठीक है, मनुष्य पृथ्वी पर प्रारंभिक
प्लेस्टोसिन में प्रकट हुआ था, ठीक है, जब सच्चे बैल, सच्चे हाथी और सच्चे घोड़े की उत्पत्ति हुई थी। ट्रू, सच्चे बैल मतलब बैल जो आज की तरह का है लगभग वैसा, ठीक है, ऐसा नहीं कि सच्चा बैल पहले झूठा बैल था, नथिंग लाइक दैट। इवॉल्व हुआ है सब कुछ, जैसे हम एक कपी से मानव के रूप में आए हैं, ये लोग भी आए हैं। सो सबसे पहले इंसानों के साक्ष हमें किस ज्योग्राफिकल टाइम स्केल में, किस कल्प, किस इपॉक से मिलता है, तो अर्ली प्लेस्टोसिन से। शब्द एक बात हुआ, आगे बढ़ो, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब ह्यूमन एंसेस्टर्स की बात करते हैं, अगर इंसानों के पूर्वजों की बात करें तो वो बंदर हैं, आप जानते हैं वो बंदर हैं, और वो बंदर भी अलग अलग फेजों से गुजरा है, वो बंदर भी अलग अलग फेजों से गुजरा है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर निरंतर जलवायु में परिवर्तन हुआ है, भू संरचनाओं में परिवर्तन हुआ है, और उसकी वजह से बेसिकली क्या हुआ है कि एक खास प्रकार के बंदर ने इंसान का रूप लिया है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नाम है जिसको याद रख लेना यहाँ भी, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस नहीं तुमसे बनते हैं और आगे भी नहीं बनेंगे अगर ये सब ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। एक नाम तुम्हें याद रखना है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। और हिंदी वाले अगर चीखने चिल्लाने लगे ना, उठा के फेंक दूंगा मैं, इनका कोई हिंदी नहीं होता, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इंसान का सबसे पुराना पूर्वज कौन था, ठीक है, तो डेफिनेटली वो बंदर था। कौन सा बंदर? उसका नाम दिया जाता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये एक नाम याद रख लेना। वो कौन सा, अब ये आगे बढ़ा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस की कहानी आगे बढ़ी, समझ में आ रही है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। और भी इसके पहले भी आते हैं, ठीक है, दैट इज लाइक रामापिथिकस एंड दिस डायरोपिथिकस, नहीं जानने की जरूरत है, इस पे भी मैं एक क्लास प्लस पे लूंगा, अभी जितना बता रहा हूं उतना सुनो। सबसे पुराना कपी या इंसान का सबसे पुराना पूर्वज, ठीक है, एक बंदर, ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम याद रखना। उसके बाद ये बदलते बदलते एक अगले कपी के रूप में आता है, दैट इज कॉल्ड होमो इरेक्टस, ये नाम याद रखना। होमो इरेक्टस वो बंदर है, वो कपी है जिसने बेसिकली सबसे पहले सीधा चलना शुरू किया, इरेक्ट मतलब इरेक्टस, इरेक्ट सीधा, ठीक है। सो सबसे मानव के सबसे नजदीक जो इसका पूर्वज पाया जाता है, ठीक है, वो होमो इरेक्टस है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस को सबसे पुराने पूर्वज में लिखना, लेकिन होमो इरेक्टस बेसिकली इंसान के सबसे नजदीकी पूर्वजों में से आता है। उसके बाद ये नियंडरथल में बदला, क्रोमैग्नम में बदला, ठीक है, और फाइनली ये सब नाम जरूरत नहीं है, ठीक है, नियंडरथल, क्रोमैग्नम, ठीक है, फाइनली ये होमो सेपियंस बनता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि तीन शब्द तुम्हें याद रखने हैं, एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस, इंसानों का, मानव का सबसे पुराना पूर्वज कपी के रूप में, बंदर के रूप में, उसके बाद वो कपी या वो पूर्वज जो इंसानों के आज के वर्तमान मानव के सबसे समीप था, ठीक है, होमो इरेक्टस, जिसने पहली बार सीधा चलना शुरू किया और वर्तमान वो आज का रूप स्वरूप ले चुका है, एंड आज वाले इस मानव को आप होमो सेपियंस कहते हैं। सो रिमेंबर दिस थ्री नेम्स, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस, इनके बारे में जो मैंने बताया है वो नोट डाउन कर लेना। नाउ मूविंग अहेड, नीना वैदेही, यार तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं कर पाया बिकॉज क्लास का टाइम था, सॉरी, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ वो क्लियर हो रही है कि नहीं, क्लियर इन द सेंस कि मतलब कितना क्लियर हो रहा है ये भी बता देना, ठीक है। और जहाँ मैं कह जा रहा हूँ, होमो हैबिलिस, कोमल ने एक नाम लिख दिया होमो हैबिलिस, ठीक है, किसी कोई लिख देंगे रामापिथिकस, ठीक है, कोई लिख देगा डायरोपिथिकस, कोई कुछ मत लिखो, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो हिडलबर्गेनेसिस, होमो नियंडर, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, सेपियंस। अनिल कुमार, ज़रूरत क्या थी, कितना टाइम बर्बाद किया तुमने ये लिखने में, लेकिन बस एक काम नहीं कर सकते, मुझे नहीं सुन सकते हो, जो मैंने कहा वो सुन नहीं सकते हो तुम। क्लियर इतना है कि इन पर इससे ज़्यादा ज्ञान झाड़ने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को, जो मैं कह रहा हूँ बस उतना याद रखना, उतने की ज़रूरत एंशिएंट इंडिया में है। और इसकी देखो, अनिल को देखो, मतलब क्या लगता है आपको कि मतलब वो काम करके तुम मेरी नज़र में बहुत बड़े बन गए, नहीं है ऐसा, डोंट वेस्ट योर टाइम लाइक दैट, बस इतना ही। और इसके अलावा ह्यूमन इवोल्यूशन पे और जियोग्राफिकल टाइम स्केल पे मेरे स्पेशल क्लास में आना है तुम्हें, समझ में आ रही है बात। सो अर्ली प्लेस्टोसिन में इंसानों को पाया गया, ये बात तुम्हें ध्यान में रखना है सबसे पहले। तो मूविंग अहेड,
सबसे पहली बार अफ्रीका में इनके जीवाश्म मिले थे, इस बात को तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, होमो इरेक्टस का। अब देखो यहाँ पे वो सारी बातें आ जाएंगी और अब कोई तकलीफ होनी नहीं है क्योंकि सब मैं बता चुका हूँ। होमो इरेक्टस वॉज द अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर स्पेसीज टू माइग्रेट, जो अफ्रीका से बाहर निकला था होमो इरेक्टस, जो सीधा चलना शुरू हुआ था, ठीक है। और होमो इरेक्टस ही आगे चल के फिर नियंडरथल, क्रोमैग्नम और फाइनली होमो सेपियंस में बदला था। सो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस और फाइनली होमो सेपियंस, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं मूविंग अहेड, ठीक है। अब देखो स्टोन एज के फेजेस पे आना, ये जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर जब आइस एज था तब ग्लोबल वार्मिंग आया होगा, देन आइस मेल्ट हुआ होगा, एंड सर प्रेजेंट में भी वही प्रोसेस साइकिल हो रही है, तो क्या हम लोग फिर आइस एज में? निधि नवोदिता उर्फ मिस रोजी, ठीक है, वो जो आइस एज था ना उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुई थी, देन इट मीन्स दैट आप लोग ग्लोबल वार्मिंग के मतलब को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जो आज के कंटेक्स्ट में यूज किया जा रहा है, दैट इज एक्सेसिव वार्मिंग, वो एक्सेसिव वार्मिंग को कह रहे हैं आप, ठीक है, दैट इज एक्सेसिव वार्मिंग। नॉर्मल से ज्यादा जब वार्मिंग बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज एक्चुअली बीइंग कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन आइस एज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आइस एज के बाद नॉर्मल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से, अगर आप लोगों को ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, ठीक है, तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, वैगनर साहब का ये कहते हैं कि भाई धरती पर जो ये भू पर पट्टी है, जो क्रस्ट है या जो ओशंस है, इन लोगों का हमेशा रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। तो उस रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, लैंड मास और वाटर बॉडीज के रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ठीक है, क्लाइमेट में परिवर्तन हुआ है और उस राइज इन टेम्परेचर की वजह से आइस मेल्ट हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग जो आज आप कहते हो, वो नॉर्मल टेम्परेचर से एबनॉर्मली ज्यादा बढ़ जाना टेम्परेचर को कहते हैं। इसकी वजह से भी आइस मेल्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से ओशन का लेवल, सी लेवल राइज हो रहा है, दैट इज डेंजरस फॉर अस। लेकिन इसकी वजह से, ठीक है, अब गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, आइस एज में आप फर्दर चले जाओगे, ये हमारे समीकरण से बाहर की बात है, मतलब हमारे क्या, ज्योग्राफी ये नहीं जानता। बिकॉज वो जो बेसिकली आइस एज मेल्ट होके इस टेरेस्ट्रियल फेज में आया था, उसकी वजह सिर्फ टेम्परेचर का बढ़ना नहीं था, ये भी तो सोचो वो टेम्परेचर बढ़ा क्यों था। बिकॉज सारे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस रिडिस्ट्रीब्यूट हुए थे, मतलब आज जहां इंडिया है वहां इंडिया नहीं था, अगर थोड़ी बहुत भी ज्योग्राफी पता हो तो। सो उस रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ था और फिर मेल्टिंग हुई थी। आज जो चेंज हो रहा है वो हमारे खराब बिहेवियर की वजह से हो रहा है, पॉल्यूशन में इंक्रीज करने की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से आइस मेल्ट हो रहा है। और जो मेल्ट हो रहा है वो नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, एबनॉर्मल हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ इंडेंजर्ड है, खतरे में है। सो इस साइकिल को फिर तुम आइस एज तक पहुंचाओगे, दैट इज लॉजिकली रॉन्ग। आई होप निधि तुम्हें समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझ में आ रही है बात? अच्छा, सो आगे बढ़ो। अब एक बात ध्यान रखना, स्टेन एज को बेसिकली जो यहां पे इसको समझ लोगे ना, आगे की सारी कहानी मक्खन हो जाएगी बिल्कुल। फिर वही बात है, हिंदी वाले चिल्लाना मत कि सर इसमें हिंदी नहीं है, क्योंकि इस स्लाइड पे मुझे हिंदी दिखानी नहीं है, इस स्लाइड पे मुझे क्या दिखाना है ये पहले तुम देखो। स्टोन एज को तीन भागों में सबसे पहले तोड़ते हैं, पैलियोलिथिक, हिंदी में लिखा होगा आगे पूरा पाषाण काल, मिजोलिथिक दैट इज मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक दैट इज नव पाषाण काल। थोड़ा सा टाइम का अंदाजा मैं तुम्हें देता हूं, 5 लाख वर्ष पहले से लेके 10,000 वर्ष पहले तक ये पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल का समय है। उसके बाद मध्य पाषाण काल 4000 BC तक, और उसके बाद नव पाषाण काल, ठीक है, ये पैरेलल चलते हैं, इसी में सिंधु घाटी सभ्यता आएगी, ताम्र पाषाण काल आएगा, इसी को मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको समझ जाओगे ना, एक भारी टेंशन दूर हो जाएगी। ध्यान से रखना, यहां पे ध्यान से देना, देखना मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो सबसे पहले तो स्टोन एज को तुमने तोड़ दिया और इसे लिख दिया पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक का मतलब पूरा पाषाण काल, उसके बाद यू हैव द मीजोलिथिक, मध्य, मीजो का मतलब ही मध्य होता है, उसके बाद नियोलिथिक नव पाषाण काल, ये नव पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल। थोड़ा सा टाइम का अंदाजा यहां पे देखो, पैलियोलिथिक को ही फर्दर आप तोड़ देते हो अपर, मिडिल एंड लोअर में, ऊपरी, निम्न और मध्य में। कैसे तोड़ते हो, थोड़ा टाइम का अंदाजा कैसे, इसमें लिखा हुआ है 5 लाख
5 लाख वर्ष पहले से लेके लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक। ध्यान से देखो, ये जो यही सब तो नहीं समझ में आता ना आज तक। अब तुम देखो जरा, ठीक है, 5 लाख वर्ष पहले अगर तुम्हें याद है, जो पीछे मैंने तुम्हें प्लिस्टोसिन एज बताया था, प्लिस्टोसिन इपॉक जो मैंने तुम्हें बताया था, प्लिस्टोसिन इपॉक में बेसिकली मैंने तुम्हें क्या बताया था, ठीक है, कि 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर रफली, ठीक है, 10,000 ईयर्स अगो तक, यही प्लिस्टोसिन इपॉक है ना, यही प्लिस्टोसिन इपॉक। अब देखो, ये जो पैलियोलिथिक फेज है, क्या लगता है तुम्हें 2.5 मिलियन ईयर्स अगो का मतलब क्या होता है? 25 लाख हो गए, 1 मिलियन में 10 लाख, सो 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। सो अब यहां पे देखो, ये 5 लाख वर्ष पूर्व है मात्र। सो डेफिनेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो पूरा पाषाण काल है वो बेसिकली किस में आ रहा है? प्लिस्टोसिन इपॉक में आ रहा है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो नहीं बनेगा यार, इतनी बात क्या हो रही है। बीए फाइनल ईयर यूपीएससी ड्रीम, हम क्लास में जल्दी कमेंट नहीं करें, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखे तो उसकी इंसल्ट ना करें, जो लोग अपने में बात करते हैं उन्हें नहीं बोलते। ये कौन क्या लिख रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या यार, डीएल की यूट्यूब यार, इनकी बातों का ध्यान नहीं दिया जाए, लेकिन इनकी स्क्रीनशॉट, इनका स्क्रीनशॉट एक ले लेना। तो ये DLQYT जो है इसका, यार सोनू या मिश्रा जी, आदिति, ये जो थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके मेरा इनको भेज देना जरा, इनका हिसाब किताब मैं देखता हूँ। भाई या बहन जो भी हैं, आप भी, ये पूछने का समय नहीं है, आप टेलीग्राम पर पूछ लेना। हाँ मिश्रा जी, डोंट वरी, मैं समझ गया ना इसकी हरकत, मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, ठीक है, ये इतना मासूम है कि ये समझ नहीं रहा ना कि इसके साथ क्या हो सकता है। बस स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज देना जरा सब तुम लोग ग्रुप में, ठीक है। एनीवेज, सो एक बात जो मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की कि ये जो पैलियोलिथिक टाइम है ये बेसिकली प्लिस्टोसिन इपॉक में आ रहा है, हिम युग में आ रहा है, समझ में आ रही बात, क्योंकि ये 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक की कहानी है, और पैलियोलिथिक जो आपका पूरा पाषाण काल है वो बेसिकली इसी में 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक है। तो डेफिनेटली ये किस में आएगा? प्लिस्टोसिन इपॉक में आएगा ना। सो एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन आएगा कि पूरा पाषाण काल किस कल्प में आता है, तो प्लिस्टोसिन लिख के आना, वही मैं यही दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और 10,000 वर्ष पूर्व तक ये पूरा चलता रहेगा पैलियोलिथिक, मतलब ये हिम युग में बीत रहा है, दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पूरा पाषाण काल हिम युग में बीत रहा है, मतलब वो जो कपि हैं वो गुफाओं में रह रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, ठीक है, वो इसी युग में पहली बार देखे गए थे, जिनको पीछे आपने ऑस्ट्रेलोपिथिकस या फिर होमो इरेक्टस कहा था, ये सब प्लिस्टोसिन में देखे गए थे। इसलिए वो स्लाइड में पीछे लिखा हुआ था कि जो मानव है उनके जो पुराने पूर्वज हैं वो सबसे पहली बार, उनके अवशेष आपको हिम युग के से संबंधित हमें पाए जाते हैं। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद 10,000 वर्ष पूर्व, इसके बाद मध्य पाषाण काल शुरू हो जाता है, नव पाषाण काल शुरू हो जाता है जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और मध्य पाषाण काल के बाद ही, जब नव पाषाण काल चल रहा होता है, नव पाषाण काल में ही समानांतर कुछ कालों का जिक्र आता है, जिसको चैल्कोलिथिक कहते हो आप, ताम्र पाषाण काल कहते हो, और इसी के पैरेलल सभ्यताओं का भी विकास होना शुरू हो जाता है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन। सो ये थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखना कि भाई ये जो बोल देते हो ना, सीधा बोलते रहते हो पैलियोलिथिक मेसोलिथिक, कभी कुछ समझ में तो आता नहीं है। जो टाइम और इसका संबंध मैंने ज्योग्राफिकल टाइम स्केल से तुम्हें बताया है, इसको जरा समझ के रखना, जैसे मैंने बताया अच्छे से नोट करना कि किस तरीके से कब कब ये बेसिकली गुजरा है। कहीं लिखा हो कि पूरा पाषाण काल अगर हिम युग से गुजरा है तो इस लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो एक बार मेरे को बता दो, ये चीजें जो मैंने बताई, ये जो टाइम लाइन बताया मैंने आप लोग को स्टोन एज का, और इसको ज्योग्राफिकल टाइम लाइन से जो जोड़ के मैंने बताया, वो चीजें क्लियर हुई कि नहीं जरा बताओ, डू लेट मी नो वंस, ओके की रिपोर्ट है कि नहीं बताना। अरे खान साहब, बच्चा है तो बच्चा बन के रहे ना, मतलब। अनिल साहब पूछ रहे हैं, हिम लोग में सर खाते क्या थे ये लोग? एक बात तो तय है कि कुछ तो कुछ खाते ही थे। हिम युग तक आते आते वनस्पतियों का, स्तनधारियों का बहुत अच्छा खासा विकास हो चुका था अनिल, अभी उतना ही समझो जितना मैं बता रहा हूँ। मैंने एक बार चीख चीख के कहा है ना कि ये चीज़ों पर मैं ह्यूमन इवोल्यूशन ज्योग्राफिकल टाइम स्केल पे मैं जानता हूँ कि ये सब दुख दर्द तुम्हें अभी दूर नहीं हुआ है, ये सब कभी दूर नहीं होगा, स्पेशल क्लास में मेरे को आने दो, अभी जो समझा रहा हूँ उतना ही समझो बस।
ठीक है, एनीवेज मूविंग अहेड, ठीक है। अब ये टाइमलाइन क्लियर हो गया तो पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल में आ जाओ, ठीक है। अब जो देखो काम की बातें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन पढ़ना, जो चीजें पढ़ना इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आए, लाइक सी यहां पे एक नाम लिखा हुआ है जॉन ल्यूबॉक, आ जाएगा एग्जाम में, नहीं बना पाओगे, मामला खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो पैलियोलिथिक एज, ये टर्म है पैलियोलिथिक, इसमें लिथ का मतलब होता है स्टोन, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, पुराना, ठीक है। ये किसने कॉइन किया था? अ ब्रिटिश हिस्टोरियन जॉन ल्यूबॉक, नाम याद रख लेना, एन आर्कियोलॉजिस्ट इन इंडिया, भारत में एक पुरातत्व विभाग के शास्त्री के रूप में काम करने आए थे, इन्होंने बेसिकली इस शब्द को क्वाइन किया था, दैट वॉज पैलियोलिथिक जॉन ल्यूबॉक, ये नाम याद रख लेना। मूविंग अहेड, पूरा पाषाण काल में क्या उपयोग में आता था? नॉर्मल सी बात है, पाषाण काल है तो पाषाण काल में लोगों ने सिर्फ दो चीजें समझी थी, वो मैंने कल ही बताया था, वन वॉज नथिंग बट टू सैटिएट द हंगर एंड अदर वॉज नथिंग बट टू सैटिएट द सेक्सुअल ड्राइव, दो ही चीज वो जानते थे। तो खाना पीना जानवरों को पशुओं को मार के उससे बचने के लिए रख रखाव हथियार स्टोन के, कौन सा चट्टान यूज होता था? क्वार्ट्जाइट, सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला चट्टान जो हथियारों को बनाए जाने में उपयोग किया गया, क्वार्ट्जाइट। और इसीलिए जो पैलियोलिथिक, जो पूरा पाषाण काल के लोग हैं, उनको बेसिकली आप क्वार्ट्जाइट मैन भी कहते हो, क्वार्ट्जाइट मानव, क्वार्ट्जाइट वॉज नथिंग बट अ टाइप ऑफ द स्टोन। उनको किसी प्रकार की खेती बाड़ी, बर्तन निर्माण, बिल्डिंग, धातु कोई जानकारी नहीं थी, अच्छी से जानते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो, फिर से चिल्लाना मत, हिंदी वाले चिल्लाना मत, देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पैलियोलिथिक को ही, पूरा पाषाण काल को ही ना तुम तीन भाग में तोड़ देते हो, ठीक है। अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और ऊपरी पूरा पाषाण काल, बचपन से करते आ रहे हो। अब इसमें टाइम क्या होता है ये करने की जरूरत नहीं है, वो बेकार की जानकारी है। टाइम जो, हाँ मैंने शुरू में बता दिया कि हाँ भाई पैलियोलिथिक का टाइम ये है, वो ध्यान रखना। उसके बाद मिजोलिथिक, नियोलिथिक और कहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन और ताम्रपाषाण काल, चालकोलिथिक शुरू हुआ है, वो बस याद रखना। अब फिर अपर कहाँ से, मिडिल कहाँ से, लोअर कहाँ से है, वो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये अंतर क्यों, अंतर इसलिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हथियारों के आकार में निरंतर परिवर्तन होता हुआ देखा गया था, ठीक है। ये हथियारों के कुछ नाम है, नहीं भी याद रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक आइडिया दिमाग में रखना कि हथियारें बेहतर होती चली गई थी, ठीक है। हथियारें नुकीली होती चली गई थी, हथियारें धारदार होती चली गई थी, ठीक है। ये एक आइडिया दिमाग में रखना है, जैसे जैसे हम पूर्व पूरा पाषाण काल से मध्य और फिर ऊपरी में जाते हैं तो हथियारों के आकार की सुंदरता बढ़ती चली गई थी, उसमें एक ऑर्डर आ गया था, फिनिशिंग आ गई थी, नुकीलापन बढ़ गया था, ठीक है, धारें उनकी बढ़ गई थी। ये बेसिकली एक आइडिया तुम्हें दिमाग में रखना है। और साइट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, साइट्स, यही मेजर साइट्स जो मैं बता रहा हूँ ये याद रख लेना है। कुछ पॉपुलर हैं जो मैं बता देता हूँ कहाँ से, जैसे अर्ली पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो अब इसमें ना कहीं से ये मत पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अर्ली वाले कहाँ से मिले हैं, मिडिल वाले कहाँ से मिले हैं, अपर वाले, प्लीज समय बर्बाद मत किया करो, ठीक है, जितना बताता हूँ उतना किया करो, ठीक है। कहाँ से अर्ली, कहाँ से मिडिल, कहाँ से अपर, ये जरा देखने की कोशिश करना, ठीक है। क्या मैं बता रहा हूँ, मतलब सॉरी एकदम उल्टा बोल गया मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ पूरा पाषाण के साक्ष्य, मतलब अर्ली वाले कहाँ से, मिडिल वाले कहाँ से, अपर वाले कहाँ से, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो कहाँ से, कुछ नाम पॉपुलर में बता देता हूँ, उनको नोट्स में लिख लेना। नर्मदा वैली का क्षेत्र पूरा पाषाण के साक्ष्य है, ठीक है। देन ये बेलन वैली उत्तर प्रदेश, सबसे पॉपुलर नाम, और रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ये तो भूलने की गलती करना ही मत, ठीक है। ये सारे पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण साइट मध्य प्रदेश का है, भीमबेटका। फिर बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में याद रख लेना है, नर्मदा घाटी याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में नवासा, अमेजिंग, वेरी पॉपुलर, ठीक है। उसके बाद भीमबेटका तो यहाँ भी आ गया, मध्य पूरा पाषाण काल में ही, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, अपर वाले में कोई पॉपुलर नाम, हाँ बागौर, बागौर इज इन राजस्थान, बागौर वन एंड बागौर टू करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देन यू हैव दिस पटने, ठीक है, पटने महाराष्ट्र, ये सब नाम, नवासा महाराष्ट्र, पटने महाराष्ट्र, केप सिल्टर से भीमबेटका, ये तो फिर हो ही गया है, ठीक है। सो पूरा पाषाण काल के साक्ष्यों में ना जो लाइन मैंने सर्कल जो यहाँ पे किए हुए हैं ना, ठीक है, बस उतना ही लिखना, बाकी क्या लिखा हुआ है कोई जरूरत नहीं है। नर्मदा वैली, भीमबेटका, केप्स, बेलन घाटी, नवासा, पटने, बागौर, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। और अब कौन सा अर्ली है, कौन सा मिडिल है, कौन सा अपर है,
पूरा पाषाण में तोड़ के याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हें यह पता होना चाहिए कि पूरा पाषाण काल के ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां से इनके अवशेष तुम्हें मिले हैं, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। और ये जो इंपॉर्टेंस यहां पे लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से बाद में कभी टाइम मिले तो पढ़ेंगे। और हाँ, टेलीग्राम पे सारे डेटा मैं भेज दूंगा, डोंट वरी, अगर यहां से कोई नहीं कर पा रहा है टेलीग्राम पे डेफिनेटली मैं भेज दूंगा, सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर श्योर, ठीक है। ठीक है जी सर, ओके की रिपोर्ट है, भीमबेटका, पटने, कुरनूल के, हसूंगी, आएगा मुस्कान, अभी और नाम आएगा, रुक जाओ। क्यों तुम लोग आगे आगे लिखने लगते हो जिससे ये प्रूफ होता है कि तुम्हें ज्यादा आता है मुझे कम आता है? और गलत बात है, कुछ तो सुना करो मेरे को, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उसका कुछ तो मतलब है ना, दैट हैज सम सेंस, ठीक है। सो वेट करो, अभी पूरा पाषाणकाल, अभी पाषाणकाल चल ही रहे हैं ना, मैं आज तक तोड़ तक ही पढ़ा था, क्या कह रहे हो दीपक, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कुछ लग रहा है कि ये पाषाण काल वाला जो डिलेमा था जिसमें आजकल दांत नहीं सब समझ में नहीं आता था, प्लिस्टोसिन क्या है, इसमें कहां से होमो इरेक्टस है, क्या है ये सब, मतलब थोड़ा ऐसी लग रही है, ऐसी कुछ धुंध छटता हुआ दिख रहा है तुम लोगों को, मतलब थोड़ा सा बेहतर फील हो रहा है कि नहीं, कि हाँ भाई स्टोन एज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करके, जो मैंने रिप्रेजेंट किया इसे ज्योग्राफी से जोड़ के एंड ऑल दिस काइंड ऑफ द थिंग्स, थोड़ा सा ह्यूमन इवोल्यूशन को एंटर किया, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल टाइम स्केल को, ये चीजें थोड़ी सी ऐसा लग रही, अरे कुछ कुछ बातें, ओ माय गॉड, ये सब थोड़ा सा क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि नहीं, एक बार बताना, जस्ट आई वॉन्ट टू जस्ट नो दैट थिंग, ठीक है। ठीक है, ऑल राइट गाइस, यार एक टेक्निकल एसजे के साहब हैं, इनका भी जरा स्क्रीनशॉट लिया जाए तो, शुभम, सोनू, ये सब, अदिति, जरा एक टेक्निकल एसजे के साहब हैं, ठीक है, इसका भी लिया जाए जरा स्क्रीनशॉट और मेरे को भेजा जाए, कौन है ये? प्रिया, सर जी करंट अफेयर्स की क्लास कब से प्लीज बताओ ना सर जी, पता होता तो मैं जरूर बता देता, इतना ही बता सकता हूँ, ठीक है, कि बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, ठीक है। एनीवेज, सो ये साइट वगैरह जो मैंने मार्क किए हैं वो जरा देख लेना। मूविंग एट, पूरा पाषाण काल में जैसे बेलन वैली वाला नाम आया था, देखो जहां से क्वेश्चन बने ना वो पढ़ाई करना है, फिजूल की पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। जैसे बेलन घाटी यूपी वाला नाम आया था पूरा पाषाण काल के लिए, पीछे मैंने दिखाया था, विंध्याज का नाम आया था, वो मैंने नर्मदा वैली वाला नाम मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। सो इसमें एक नाम आया चोपानी मांडो, चोपानी मांडो आ गया ना क्वेश्चन में, आया हुआ है यूपीएससी के, मैं दिखा दूंगा तुम्हें, नहीं बनेगा, ठीक है। चोपानी मांडो बेलन घाटी की वो जगह है, स्पेसिफिक नाम बेसिकली, तो चोपानो मैंडो याद रहना चाहिए, व्हाट दैट व्हाट आई एम टेलिंग, कि वो नाम याद रहना जरूरी है, तो चोपानी मांडो याद रहना जरूरी हो जाता है, बेकार की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, पैलियोलिथिक के साइट्स तुमने देख लिए, पैलियोलिथिक के डिवीजन तुमने देख लिए, पैलियोलिथिक में बेसिकली हथियारों के बारे में तुम्हें जानकारी हो गई, ठीक है, उसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल से जोड़ लिया, ठीक है, इवोल्यूशन के बारे में थोड़ी तुमने बातें कर ली, किसी तरीके का हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी, ठीक है, आखेटक लोग थे, सिर्फ भूख और प्रजनन का कार्य जानते थे। उसके बाद अब मैंने बताया था कि वो समय जो था पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल, वो 10,000 वर्ष पूर्व तक आया था, 10,000 वर्ष पूर्व तक अगर आया था तो उसके बाद मध्य पाषाण काल शुरू हो गया। मिजो का मतलब ही मध्य होता है, ये तुम्हें ध्यान में रखना है, ग्रीक वर्ड है ये मिजो, मिजो का मतलब ही होता है मध्य, समझ में आ रही बात। और दिस कल्चर बिलोंग्ड टू होलोसिन एरा, देखो यहाँ पे एरा लिखा हुआ है, ये सब गलतियां होती रहेंगी गाइस, ये जो मैंने बताया ना तुम्हें एरा एपोक, गूगल पे जब भी टाइप करोगे ना किसी में एरा किसी में इपॉक लगा के बेफिजूल की बातें लिख देते हैं, उन बिना मतलब की अखोर बखोर की बातों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करना, ऑल आई एम ट्राइंग टू से बस मेरी बात थोड़ा समझ लेना है। क्वार्टरनरी पीरियड को जो होलोसिन और प्लिस्टोसिन में हमने तोड़ा था ना उसको एरा नहीं एपॉक कहते हैं, और क्वार्टरनरी इज पीरियड, चतुर्थ कल्प कहते हैं उसे, पीरियड, ठीक है। सो
अब मिजोलिथिक पीरियड बेसिकली किस में आ जाएगा? 10,000 वर्ष पूर्व अगर पीछे का तुम्हें टाइमलाइन याद है तो आप डेफिनेटली होलोसिन इपॉक में आ जाओगे, एकदम आगे की बात आ जाएगी ना। प्लिस्टोसिन इपॉक में कौन रहेगा? पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है, पीछे का टाइमलाइन। तो मिजोलिथिक जब आओगे तो मिजोलिथिक अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मध्य पाषाण काल भौगोलिक किस भौगोलिक कल्प को रिप्रेजेंट करता है, नहीं बता पाओगे, नहीं बनेगा। सो होलोसिन डेफिनेटली सबसे नया वाला है। अब मध्य पाषाण काल भी बेसिकली 10,000 वर्ष पूर्व से आगे की कहानी है, तो ये होलोसिन इपॉक में तुम रहोगे। और होलोसिन इपॉक बोलना है, होलोसिन इपॉक से पहले कौन था? प्लिस्टोसिन था, ठीक है। सो ये ध्यान रखना जरा। इस समय बहुत सारे पर्यावरणीय परिवर्तन धरती पे होते चले गए हैं जिसकी वजह से जलवायु में और तापमान में काफ़ी सारे परिवर्तन हुए हैं। अब मध्य पाषाण काल में बेसिकली अगर सबसे इंपॉर्टेंट नाम तुम्हें दिखना चाहे तो वो भी भीमबेटका केव पेंटिंग्स है। भीमबेटका का तो नाम कहीं भूलना ही नहीं है, ठीक है। मेन को कैसे डिपेक्ट किया गया, देखो जो दीवारों पे बनी तस्वीरें हैं, ठीक है, मतलब ऐसे कि भाई हंटर्स, मेन आर डिपिक्टेड एज हंटर्स, वुमेन आर पेंटिंग गैदरिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड, मतलब उनको संभालने वाला काम ही लगभग दिया गया है। मेन को शिकार करते हुए आखेटक वर्ग, भूख शांत करने के लिए, ठीक है। और मीजोलिथिक एज में जो सबसे नथिंग मच, ठीक है, इसमें हथियार और बेहतर होते चले जाएंगे, वो ध्यान में रखना, उसमें बिना मतलब का टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आगे चल के इसमें तुम्हें एक याद ध्यान रखना है कि मीजोलिथिक एज में ही आगे चल के मध्य पाषाण काल में ही अंतिम में आते आते जहां से नव पाषाण काल शुरू होगा, जहां भी शुरू होगा 10,000 वर्ष पूर्व से ही तो ये सब शुरू होगा ना, इसके पहले तो पूरा पूरा पाषाण काल रहेगा। सो इसी 10,000 वर्ष पूर्व में कुछ वर्ष मिजोलिथिक एज चलेगा और कुछ हजार वर्ष, और मिजोलिथिक जब खत्म होगा तो नव पाषाण काल आएगा। मध्य पाषाण काल बीतते बीतते तुम्हें पता है फायर का आविष्कार मिजोलिथिक एज में ही हुआ था, ठीक है, फायर कह लो, पहिया का आविष्कार ये मध्य पाषाण काल में ही हुआ था, ठीक है, ये सब यहीं पे हुआ था। दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, समझ में आ रही बात, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सो याद रख लेना। और आगे की कहानी इसके बाद फिर, मतलब अब तो टाइम हो चुका है, इसके आगे बढ़ेंगे नहीं, और कोई क्लास शायद होनी है कि नहीं होनी है मुझे नहीं पता है। तो गाइस आज इतना ही रहने दो, ठीक है, आज की कहानी इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास इससे आगे चलेंगे। हिस्ट्री इज माई ईस्थर, वेरी नाइस टू नो। आज इतना ही रहने देते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी गाइस। आज टाइम हो चुका है और आई गॉट अ गो, और मे बी यू हैव द नेक्स्ट अदर क्लासेस, मुझे नहीं पता कि आगे क्लास है कि नहीं, ठीक है, बट आई गेस यू हैव द क्लासेस। नहीं, कोई क्लास तो नहीं है, अच्छा है, चलो आज रहने दो इतना ही, चलो होप टू सी यू टुमारो। स्टोरेज की कहानी अभी बढ़ेगी, घबराना मत, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, जिस तरीके से जितना बता रहा हूँ उतना दिमाग मत लगाना, लेट मी फिनिश इट, इसे खत्म होने देना और प्रॉपरली नोट जरूर बनाते रहना, ठीक है जी सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है रामांश, एक बार वीडियो फिर से देखेंगे, बिल्कुल आएगा, जीवन में पहली बार इस स्तर पर आप लोग इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो होंगी चीज़ें, ज़रूर होंगी। और गाइज अच्छे से प्रॉपरली मेरे को स्टोरेज या पूरा इंसिडेंट इंडिया तुम लोग कर लेना, ठीक है, दोबारा इसमें दिक्कत नहीं होगी, दैट्स माई वॉल्ट टू यू। सो आज के लिए गाइस इतना ही, कल मिलते हैं, पहले साइंस वाली क्लास में, फिर हिस्ट्री वाली क्लास में। एंड मेक श्योर, साइंस वाली क्लास में बार बार कह चुका हूँ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, अगर ठीक रहा तो साइंस कंटिन्यू होगा, नहीं रहा तो साइंस कंटिन्यू नहीं होगा, ये मैं सीधी बात कह चुका हूँ। सो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।